और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। मूविंग इज पेन का एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और फाइनली आज मैं कैंसर सिटी, जहाँ पे मैं पिछले 3.5 साल से हूँ, 4 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, और 2 साल यहीं इसी एरिया में पढ़ाई की, तो मिडवेस्ट एरिया में मैं प्रेटी मच 6 साल से हूँ। वो एरिया छोड़ के जा रहा हूँ टेक्सस डैलस मूव करने के लिए। तो डैलस मूविंग मेरा आज है, और आसपास घर आप देख ही पा रहे हैं, पूरा क्लटर पड़ा है। सारे बॉक्सेस वगैरह मैंने पैक कर लिए हैं, काफ़ी सारा सामान था। जितना सामान, लाइक 6 साल में मैंने सामान जितना पिक किया है, मुझे भी नहीं पता था कि इतना सामान है। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो कि बॉक्सेस पैक करने के बाद काफ़ी सारा सामान, आप अगर आप देखें तो सोफ़ा मैंने सेल कर दिया है, टीवी नीचे रखी क्योंकि स्टैंड सेल हो गया है, काफ़ी चीज़ें मैंने मार्केट प्लेस पर सेल कर दी फेसबुक के, और मेट्रेस वगैरह पिकअप करने के लिए अभी जस्ट कोई आ ही रहे हैं, तो ये भी चला जाएगा सामान। एंड देन इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ क्लीनिंग। तो अभी बाथरूम वगैरह क्लीन करूँगा, ओवन मैंने जस्ट क्लीन किया है, क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करते हैं तो $300 का जो डिपॉजिट आप देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिया था, शायद मेरा डिपॉजिट 500 का था, पर पिछले अपार्टमेंट में 300 था, तो जितना भी डिपॉजिट आप देते हैं उससे वो कट करते हैं अगर आप क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो वो मैंने सब कुछ कर दिया, क्लीनिंग एंड ऑल, बाथरूम क्लीनिंग बाकी है, वो करता हूँ और शावर लेता हूँ और फिर निकलूंगा कुछ खाने के लिए। तो पूरा दिन आज का मूविंग में ही चलेगा, तो पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी करते हैं क्लीनिंग और फिर देखते हैं आगे कि क्या करना है। अपार्टमेंट आप देख ही सकते हैं मीनवाइल कि क्या हालत हो रही है। ये रूम है जहाँ मैं बैठ के काम करता था ऑफिस का, तो वो ऑफिस चेयर मेरी बाकी है बस, वो भी मैं यहीं पे छोड़ के चले जाऊँगा डम्पस्टर में। बाकी तो पूरा अपार्टमेंट, पूरा रूम सब कुछ एम्प्टी, एंड थोड़ा बहुत जो और क्लटर बाकी है किचन में वो सब फेंक के चले जाएंगे। तो गाड़ी वगैरह रेंट की है वो भी लाऊंगा, वो भी बताता हूँ आगे। तो डन विद द पैकिंग, और नहा के अभी बहुत भूख लगी, सुबह से पैकिंग में बिजी था, तो अभी निकल रहा हूँ कुछ खाने के लिए, एक रेस्टोरेंट है पास में वहाँ पे, एंड देन निकलूँगा वहीं से एयरपोर्ट के लिए। एक फ्रेंड को बुलाया पिकअप करने के लिए, तो पिकअप करके एयरपोर्ट जाऊँगा, एंड देन वहाँ से SUV पिक करूँगा जिसमें सारा सामान भर के आगे निकलूँगा। तो चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। निकल के पहुँच गया हूँ रेस्टोरेंट, कैंसर्स का लास्ट मील है प्रिटी मच अभी पूरी जर्नी का, तो आखिरी टाइम इंडियन फूड खाने के लिए आया हूँ। टच ऑफ एशिया एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे। तो काफ़ी वेट करने के बाद फूड मेरा आ गया है। फूड में आज लस्सी है, तंदूरी रोटी, पनीर कोरमा, सो ये सब मैंने ऑर्डर किया था। खाते हैं और निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो खाना मैंने खा लिया है, और एयरपोर्ट जाने के लिए 40 मिनट का ड्राइव है, तो मैंने दोस्त को बोला था पिकअप कर ले, तो दोस्त मेरा आ गया है। तो अभी निकलूँगा एयरपोर्ट के लिए, फिर वहाँ से गाड़ी पिक करके घर, और फिर स्टार्ट करते हैं पैकिंग। तो गाड़ी लेके आ गया हूँ एयरपोर्ट जाके, दोस्त ने पिकअप किया था जिसको हमने देखा। गाड़ी मिली है मुझे ये वाली, सबर्बन है शेवरले की, और बहुत बड़ी गाड़ी है। लाइक मुझे चलाने में भी काफ़ी अटपटा लग रहा था गाड़ी को, इट इज़ लाइक कि सुपर बिग गाड़ी, और क्योंकि सामान ज़्यादा है तो मैंने उनसे बोला मुझे बड़ी गाड़ी दो, तो इसका मुझे $150 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। $300 में ऑलरेडी पे कर चुका था, और अभी 150 और पे किया है, तो 450 की मुझे ओवरऑल गाड़ी पड़ी। पर गाड़ी बहुत सही है, तो अभी आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। तो दोनों सीट्स मैंने नीचे कर दी हैं ताकि स्पेस ज़्यादा हो जाए, और यहाँ से है गाड़ी का इंटीरियर। सो इंटीरियर काफ़ी सही है, सनरूफ एंड ऑल, बाकी सिस्टम काफ़ी अच्छे हैं गाड़ी में, और ओवरऑल गाड़ी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो देखिए गाड़ी है, अभी स्टार्ट करते हैं लोडिंग करना गाड़ी को। गाड़ी पूरी लोड करूंगा और अब निकलेंगे ओक्लाहोमा सिटी के लिए। तो स्टार्ट करता हूँ गाड़ी लोड करना। सारी सीट्स नीचे गिराने के बाद फाइनल गाड़ी कुछ ऐसी हो गई है कि एक पूरे ह्यूमन को संभाल ले, और इवन बड़ी स्पेस है, तो ये सही रहा कि गाड़ी मुझे बड़ी मिल गई। मूविंग तो चल ही रही है, साथ ही साथ एक फ्रेंड ने काफ़ी सही है रोबोट हमारे लिए लेके आ गया, जिसमें उसने बोला है कि वाईफाई से कनेक्ट कर दो, और जब तक हम सफाई कर रहे हैं, जब तक हम सामान मूव कर रहे हैं, तब तक ये सफाई कर देगा घर की। तो क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको कि क्लीनिंग आपको करना पड़ती है जाने के पहले, तो क्लीनिंग मुझे नहीं करना पड़ेगी, ये जो रोबोट है ये कर देगा मेरे लिए क्लीनिंग। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये वैक्यूम कर रहा है बेसिकली, तो ये पूरा वैक्यूम कर देगा घर का, पूरे रूम का ऑटोमेटेड है, तो ये ऑटोमेटिकली वैक्यूम हो जाएगा, तब तक हम बाकी सामान लोड करते हैं। तो ये अच्छा है कि कम से कम वैक्यूम का हमें चक्कर नहीं है, वो टकरा के खुद मूव कर लेता है, वॉल वगैरह डिटेक्शन है, तो काफ़ी सही है। सो ये अभी इस रूम में इसको छोड़ दिया है हमने, तो इस रूम का वैक्यूम पूरा कर देगा ये, तब तक हम बाकी सामान लेते हैं और चलते हैं आगे।
दो ढाई घंटे पूरा इतने सब लोगों ने मिलके मूव किया, तीन चार लोग थे हम, तब जाके ये गाड़ी देखी पूरी। बैठने की जगह के अलावा पूरा हमने यहाँ से लेके पीछे तक 7-8 फीट की गाड़ी है, खूब बड़ी शेवरले सबर्बन, मतलब प्रिटी मच लगी उसकी सबसे बड़ी गाड़ियों में से, और वो गाड़ी भी फुल कर दी है। तो पैकिंग पूरा डन, लगाते हैं गाड़ी और स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी। अभी यहाँ से पहुँचूँगा ओक्लाहोमा सिटी, जो 5 घंटे की ड्राइव है। वहाँ पे होटल स्टे है मेरा नाइट का, क्योंकि अभी 6 बज गया शाम का, तो 11 बजे के आसपास होटल पहुँचूँगा, स्टे करूँगा, मॉर्निंग निकलूँगा टेक्सास डालस, जो वहाँ से 3.5 घंटे 3-3.25 घंटे की ड्राइव है। तो वो ड्राइव कंप्लीट करूँगा टोटल 8 घंटे की इस तरीके से, और सुबह तक पहुँचेंगे डालस टेक्सास जो है वहाँ पे। फिर आगे देखते हैं अपार्टमेंट वगैरह कैसा है, वो भी मैंने अभी तक देखा नहीं है। बताया था एक पिछले वीडियो में कि ऑनलाइन बुक किया है पूरा, तो वो भी कैसा रहता है वो भी देखते हैं। पर अभी स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी और निकलते हैं ओक्लाहोमा सिटी के लिए। तो जर्नी शुरू हो गई है, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है, और समय आप देख सकते हैं इधर सनसेट होने वाला है, और ऑलमोस्ट 4 घंटे 40 मिनट यानी कि 12 बजे के आसपास का अराइवल है मेरा। तो बस चल ही रहा हूँ मैं। मैंने जितने भी लोगों से पूछा उन सभी ने मुझे तो यही कहा है कि डैलस बहुत अच्छी प्लेस है, पर ऑनेस्टली तो मुझे कैंसस मैं मिस कर रहा हूँ, लाइक आई एम लीविंग, और अभी मैं तो पूरे 6 साल इसी स्टेट में था, सो फाइनली अब जाऊँगा यहाँ से। एंड जितने भी फ्रेंड्स वगैरह को मैंने बताया सभी ने ये बोला कि डैलस इज़ अ वे बेटर सिटी देन कैंसस सिटी। सो देखते हैं सिटी क्या है और कैसी है, तो वहाँ भी अब आगे के व्लॉग्स आपको वहीं के मिलेंगे। तो रात का टाइम हुआ है 12:30, और 5-5.25 घंटे का जो ड्राइव था वो पूरा हुआ। गाड़ी जस्ट पार्किंग में लगाई है, सामने होटल है जो मैंने बुक किया ऑन द वे। तो अभी बस चेक इन करता हूँ, एंड देन 12:15 हुआ है, तो कुछ फूड जो भी मिलेगा या कुछ मैं कैरी कर रहा हूँ तो वो खा लूँगा, एंड देन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलूँगा डैलस के लिए, जो 3-3.25 घंटे का ड्राइवर बाकी है वो। चेक इन हो गया कंप्लीट, रूम नंबर मिला है मुझे 321, सो आई थिंक दिस वे है। काफ़ी टायरिंग जर्नी है, मतलब रिलेटिवली पिछली बार से तो मुझे लगा कि कमी है, बट फिर भी रात का टाइम है और गाड़ी चलाना है ऑल, सो बट आई एम हियर। सो काफ़ी सही मेरा रहा रेस्ट यहाँ पे होटल में, रूम भी काफ़ी अच्छा था, फ्रिज वगैरह और कटलरी वगैरह सब कुछ था, प्लेट चम्मच वगैरह जो जनरली रूम्स में नहीं मिलता है, बट यहाँ पे था तो वो अच्छा रहा। ब्रेकफास्ट मैंने लिया है तो अभी बस निकलूँगा ब्रेकफास्ट करने के लिए, बैग एक ही लेके आया था तो पैक कर लिया है, तो निकल जाऊँगा बैग उठा के और नीचे से निकलूँगा डैलस के लिए। 3 घंटे का ड्राइव है, अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 8:30 के आसपास मॉर्निंग, तो 11:30 तक डैलस पहुँच जाऊँगा, और फिर लेते हैं अपार्टमेंट की कीज़ और देखते हैं कि नया अपार्टमेंट कैसा है। अभी मैं निकल रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए नीचे, देखते हैं ब्रेकफास्ट फैसिलिटी वगैरह कैसी है। तो वॉफल मेरा रेडी हो गया है, जैसा कि मैंने बताया था बड़ी मशीन आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे है वो मशीन, वॉफल ले लेते हैं ये घर। 2 घंटा ड्राइव करने के बाद ओक्लाहोमा से टेक्सास की बॉर्डर पर पहुँचा हूँ, और ये एंट्री पॉइंट है टेक्सास का, सो एग्जिट के बाद आता है, तो एक एग्जिट मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद जस्ट एक रेस्ट एरिया पड़ता है वहाँ पे रुका हूँ। तो आगे पूरा आप टेक्सास 500 माइल्स जो ये एग्जिट जो होते हैं वो स्टेट से नेक्स्ट स्टेट का डिस्टेंस बताते हैं, सो 500 है। एंड अभी यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से मेरी जर्नी 1 घंटे की और बाकी है, बट ये बाउंड्री है बेसिकली। सो वगैरह साइन जस्ट की नीचे अभी, और पहुंच गया हूँ अपार्टमेंट बिल्डिंग में अपनी। सो ये मेरा अपार्टमेंट जो नया वाला डैलस में है कुछ इस तरह का है, ओपन स्पेस 1 बेडरूम इधर, बाकी वॉशरूम एंड ऑल नॉर्मल फैसिलिटी। तो अभी ड्राइविंग वगैरह कंप्लीट हुई, काफ़ी थक गया हूँ, पर अब सामान अनलोड करना स्टार्ट करता हूँ, एंड देन फाइनली डैलस मूव हो चुका हूँ। सो अब आपको फ्यूचर के व्लॉग्स डैलस के मिलेंगे और ये अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।